तो आइए त्रिकोणमिति में आगे है पांचवा क्वेश्चन कि sec थीटा बराबर 13 बटा 12। sec थीटा बराबर होता क्या है? बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कंपेयर कर लीजिए, यानी कि कर्ण बराबर हो गया 13, आधार हो गया 12। तो लंब कितना होगा? ट्रिपलेट से तो जानिए क्या है, 5 × 13 कितना होगा? 13 × 12 − 12 कर लीजिए रूट अंडर 13² 169 माइनस 144। धक्का आएगा कितना? धक्का आएगा 5, 6 में से जा गया तो 2, यानी 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ट्रिपलेट जरूर याद रखिएगा, कभी फटाक से बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ट्रिपलेट का बहुत बड़ा रोल है। तो यहां से बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी कि cos थीटा, sin थीटा, फिर cosec थीटा, फिर tan थीटा और यहां से हो जाएगा cot थीटा निकालिए। तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना निकला? आधार तो है 12 और कर्ण है 13। साइन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब है 5 और आधार है लंब बटा कर्ण होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण है 13। कॉसेक थीटा साइन थीटा के रिवर्स होता है, यानी उल्टा होता है, तो इसका होता है कर्ण बटा लंब। बिठा दीजिए 13 बटा इसका कितना होगा 5। टेन थीटा का कितना होता है? सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब है 5 और आधार है 12 और कॉट टेन का उल्टा कॉट, इसका होता है आधार बटा लंब, इसका हो जाएगा 12/5। बस यही निकालना था सभी को। ये वाला ट्रिक याद करने के लिए बोले थे ल आ ल बटा क क आ, देखो इसी में तो सब फॉर्मूला आ जाता है ल आ ल बटा क क आ। ध्यान दीजिएगा लंब बटा कर्ण किस होता है? साइन थीटा के। आधार बटा कर्ण होता है कॉस थीटा के, और ल और लंब बटा आधार होता है टेन के। ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा और ये हो गया टेन थीटा। अब इसी का जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, उलट दीजिएगा, तो हो जाएगा कॉसेक सेक और कॉट थीटा का। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, छठा देखिएगा। बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखा है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो पहले क्या सिद्ध करना है? पहले लिखेंगे, यहां से लिखेंगे आप दिया है, क्या दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। फिर अगला में लिखेंगे तो सिद्ध करना, कॉपी में ऐसा ही लिखिएगा, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। आइए एक फिगर बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, समकोण त्रिभुज।
ये समकोण हो गया। अब बोला है ए और बी न्यून कोण है, यानी कि ये वाला मान लेते हैं ये है बी ये है सी है, है? तो आप देखिएगा तो चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी, यहां से ध्यान दीजिएगा यहां से होता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बताए थे यहां दीजिएगा चूंकि आधार बटा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण दिखेगा, तो कॉस ए बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, कॉस ए की बात कर रहा है कॉस ए यानी कोण ए की बात करें तो इसकी भुजा के सामने कौन हो जाएगा, यानी कि ये वाला भुजा हो जाएगा इसका लंब, इसका क्या हो जाएगा ये लंब, ये तो कर्ण फिक्स है, कर्ण ये तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण फिक्स है, तो ये वाला आधार हो गया यानी कि ए सी, ए सी बटा कर्ण क्या होगा ए बी, ए बी बराबर कॉस बी, कॉस बी यानी कौन इससे बात कर रहा है तो इसके सामने वाला कौन क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा तो आधार कौन होगा ये वाला होगा, तो कॉस बी यानी कि बीसी हो जाएगा, क्या होगा बीसी और बटा कर्ण हो जाएगा ए बी, अब ए सी बटा ए बी बराबर बीसी बटा बी ए बी, ए बी से ए बी कट जाएगा करके दिखा दे, देखिए तीन बटा अगर चार हो, अगर थ्री एक्स बटा में चार हो और टू बटा में चार हो, देखिएगा ध्यान से तो ये चार से चार कैंसिल कैसे होता है, देखिए चार इन्हें भागम है इधर जाके इधर चार भागम है तो थ्री एक्स बराबर हो जाएगा कि दो गुणे चार ऊपर चल जाएगा ये भागम है इधर आके गुना में और चार तीन से चार कैंसिल हो गया, समझ गए जस्ट वैसा ही इसका भी कहानी है, नहीं इधर भागम उधर आके गुना में कर दीजिएगा उधर से उधर कर दीजिएगा, ठीक है तो यहाँ क्या बच गया AC बराबर BC, AC बराबर यानी कि AC इसे मिटा दो ये समझाने के लिए बताए थे, AC बराबर BC यानी ये भुजा बराबर ये भुजा, तो हम नाइन्थ में पढ़े थे क्या पढ़े थे चूंकि अगर दो अगर त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उसके संगत संगत कोण भी बराबर संगत कोण, यहां पे नहीं यहीं पे लिख रहे हैं, चूंकि चूंकि क्या लिखना है अगर त्रिभुज ए बी सी के दो भुजा बराबर हो तो उसके संगत कोण क्या होगा बराबर होगा, अब यहां से इधर लिख दे रहे अतः कोण ए बराबर कोण बी, यही तो करना था प्रूफ आंसर, ठीक है अगला क्वेश्चन आइए देखिए एक क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर सात बटा आठ, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, तो यहां कर्ण निकालना पड़ेगा, निकालिए कर्ण, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस
आधार के स्क्वायर। यहां से हो जाएगा लंब कितना है, यहां से निकालिएगा तो लंब हो जाएगा, देखो लंब बराबर हो जाएगा, लंब यानी कि 8 हो जाएगा और आधार बराबर 7 हो जाएगा। तो यहां से बिठा दीजिए, मान लंब है 8 यानी 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 64 और प्लस में 49, जोड़ना पे आता है 9 13 और 6 10 11 113। ये बच्चे इसका कर्ण हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो कर्ण हो गया, एक कर्ण हो गया, लंब हो गया और आधार हो गया। अब यहां से क्वेश्चन नंबर एक में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा यानी दिया हुआ है। तो हम अलजेब्रा के क्लास में वीडियो पढ़ा हुआ है जो फॉर्मूला बताया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, बताया थे यहां से बिठा दीजिए तो वही होगा। यहां भी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है ना, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 के स्क्वायर माइनस साइन के स्क्वायर, बटा में इधर भी हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस कॉस के स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे नहीं तो पूरा करेगा तो वही साइन स्क्वायर थीटा आएगा पूरा के, अगर मान लिया जाए ऐसे करेंगे ऐसे करिए साइन के दो बार गुना करेंगे यानी साइन स्क्वायर साइन थीटा गुना साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर ही थीटा होता है, ठीक है समझा कीजिए। अब ए का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब वैल्यू रख दीजिए हो गया। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस साइन साइन थीटा का वैल्यू होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण तो लंब हो गया 8 कर्ण है 113, लंब हो जाएगा 8 यानी 8 बटा 113 के स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, अब बटा में 1 माइनस तो लोग कह रहा था इसको होल स्क्वायर कर देते हैं इसको होल स्क्वायर, अब ठीक है होल स्क्वायर कर दिए। कॉस थीटा के होता है आधार बटा कर्ण यानी आधार है 7 और कर्ण है √13 यानी कि आधार यानी 7 बटा √113 के होल स्क्वायर, यहां से आप देख लीजिएगा तो 1 माइनस स्क्वायर कर जाएगा तो 8 के तो 64 हो जाएगा बटा 113 और बटा में 1 माइनस 49 बटा 113 हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो 113 होगा यहाँ 113 माइनस 64 और बटा में यहाँ भी एलसीएम ले लीजिएगा 113 तो 113 माइनस 49 घटा लीजिए घटाइएगा ये फर्स्ट इनटू लास्ट है तो ये तो खत्म हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या बचेगा 113 में से 64 घटेगा तो 9 और 10 में से 6 गया तो 4 बटा में नीचे 64 घटाएगा तो आ जाएगा यही इसका आंसर है। दूसरका के देखिएगा दूसरका के देखिएगा कॉट थीटा बराबर दूसरका में है कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि बराबर आधार बटा लंब, वही बिठा दीजिएगा इसका मान कितना हो जाएगा आधार बटा लंब यही 7/8 इसका स्क्वायर है स्क्वायर कीजिएगा तो 49/64 आंसर। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा।